सबसे पहले हम रगड़ा बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो हरे मूंग आते हैं वो लिए थे, जिसे मैंने 4 घंटे पानी में भिगो के रखा था, तो इसे हम प्रेशर कुकर में ले लेंगे। तो आज हम मूंग का रगड़ बनाएंगे, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी के साथ इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है, और अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 कप पानी मिलाया है। अभी प्रेशर कुकर को ढक के इसे हम 3 सीटी तक प्रेशर कुक करेंगे और गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। जब तक ये प्रेशर कुक होता है तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। अभी हम पेटिस की तैयारी करेंगे। ये जो पेटिस है वो भी बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पेटिस बनाने की यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने प्रेशर कुक कर लिया था और उसे हल्का सा मैश कर लिया है। अभी इसमें हम 1/2 कप मक्के के दाने डालेंगे। यहाँ पे मैंने कच्चे मक्के के ही दाने लिए हैं, इसे आप बॉईल करके भी ले सकते हो। साथ ही मैं 2 चम्मच जितना हरा धनिया मिलाएंगे, 1 कटी हुई हरी मिर्च वो डाल देंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो 4 ब्रेड की स्लाइस ली थी जिसे मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है। इसकी जगह पे आप पोहे का पाउडर भी ले सकते हो या फिर रोटी को भी आप क्रश करके डाल सकते हो। इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके आलू में कितना मॉइस्चर है उस पे जाएगा। तो अभी मैं 1/2 कप जितना डाल रहा हूँ। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक मिलाएंगे। साथ ही में 1/4 टीस्पून चाट मसाला मिलाना है, स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अभी हाथों से ही हम सब कुछ मिला लेंगे। अभी मैंने सब कुछ अच्छी तरह से मिला लिया है और इसमें एकदम बढ़िया बाइंडिंग भी आ गया है। अगर आपका ये जो मिश्रण बहुत ज्यादा स्टिकी है तो आपको इसमें थोड़े और ब्रेड क्रम्स डालने पड़ेंगे। अभी हम इसमें से टिक्की बना लेंगे। अभी हाथों पे मैंने तेल लगा लिया है, तो इसकी इस प्रकार टिक्की बना लेनी है। टिक्की की साइज आप अपनी पसंद से रख सकते हो। तो इसी प्रकार हम सारी टिक्की तैयार कर लेंगे। अभी सभी टिक्की को मैंने तैयार कर लिया है, अभी हम रगड़ा बना लेंगे। अभी रगड़ा बनाने के लिए हम पैन में 1 टेबल स्पून तेल लेंगे। अभी तेल गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा मिलाएंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून हींग मिलानी है, इसे एक बार चला लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे, यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज मिलाएंगे, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का 1 प्याज लिया है। ये जो रगड़ा है आप बिना प्याज और बिना टमाटर के भी बना सकते हो। प्याज को हमें नरम हो जाए तब तक ही भूनना है। अभी प्याज नरम हो गए हैं, इसमें हम 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट मिलाएंगे। इसमें आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो, मैं अभी लहसुन को नहीं डाल रहा हूँ। अभी हम इसमें कटा हुआ टमाटर मिलाएंगे, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का 1 टमाटर लिया है। यहाँ पे टमाटर को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गलाना है। टमाटर को चलाने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून जितना बेसन मिलाएंगे, बेसन को भी अच्छे से भून लेना है। बेसन डालने से रगड़े में बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से आएगा। अभी गैस के आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर मिलाना है। इसी के साथ 1/2 टीस्पून काला नमक मिलाएंगे। काला नमक आप जरूर डालिएगा, इससे रगड़ा का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला मिलाना है, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर मिलाएंगे। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच जितना हरा धनिया मिलाएंगे, इसे भी अच्छे से चला लेंगे। सब कुछ चलाने के बाद हमने जो मूंग को प्रेशर कुक करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 1.5 कप जितना पानी मिलाएंगे। अभी गैस के आंच को फिर से मीडियम कर देंगे। अभी हम ये रगड़ा बना रहे हैं, इसी प्रकार मैं मूंग की सब्जी भी बनाता हूँ, जो पूरी के साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और साथ ही में 1/4 टीस्पून गर्म मसाला मिलाना है। अभी इसे हम अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अभी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया रगड़ा तैयार है। अभी हम पेटिस को सेक लेंगे। अभी तवे पर हम 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, तेल को हम अच्छे से गर्म होने देना है। अभी हमने जो पेटिस बना के रखी थी उसे तवे पर रख देंगे। अभी हम इसे अच्छे से सैलो फ्राई करेंगे, इस पर एकदम बढ़िया कलर आ जाना चाहिए। अभी हम इसे पलट देंगे, आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आया है।
दूसरी ओर भी इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए आलू और मकई की पेटीज एकदम बढ़िया तैयार है। अभी हम रगड़ा पेटीज को तैयार करेंगे। सबसे पहले प्लेट में हम जो पेटीज हमने तैयार की है वो रख देंगे। अभी हमने जो मूंग का रगड़ा बनाया है वो इसके ऊपर डालेंगे। अभी इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको दही नहीं डालना तो आप दही को स्किप भी कर सकते हो। अभी इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। चाट की जो तीनों चटनी है उसकी रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ इसके ऊपर हम लाल मिर्च और जो लहसुन की चटनी आती है वो डालेंगे। ये आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। इसके बाद मीठी चटनी यानी कि खजूर और इमली की चटनी डालेंगे। अभी इसके ऊपर हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, साथ में थोड़े कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसमें आप चाहो तो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अभी इसके ऊपर हम बेसन की सेव डालेंगे। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डालना है और साथ ही में थोड़े ऊपर से अनार के दाने डाल देंगे। ये लीजिए एकदम बढ़िया, बिल्कुल अलग प्रकार की रगड़ा पेटीज तैयार है।